स्टाफ से कि ये वाला कौन सा सेक्शन है। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हो? कैसे हो सर जी? तो ये वाला जो सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन है? फैमिली सेक्शन है, सोफा सेक्शन है। इस सोफा सेक्शन फैमिली के लिए है, मतलब फैमिली वाला है। और इसके पीछे जो सेक्शन है वो कौन सा है? वो एसी सेक्शन है। ये नॉन एसी और वो एसी। अभी तो बहुत ठंडी है, जरूरत ही नहीं है। सो ये इनका यहाँ पर स्पेशल सेक्शन है जो है बैम्बू हाउस। जो लोग बैम्बू की फीलिंग और जंगल की फीलिंग के साथ खाना खाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल एरिया है। काफ़ी साइलेंट और पीसफुल इंटीरियर है यहाँ पर। एक सुकून के साथ यहाँ पर बैम्बू ट्री के अंदर हम खाना अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द बैम्बू हाउस। गाइस, मिलते हैं यहाँ पर शालीमार ढाबा के जो ओनर हैं मिस्टर सफदर। तो ये आई थिंक ही इज़ द थर्ड जनरेशन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस ढाबा। तो आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि ढाबे का कामकाज कैसा चालू हुआ, किसने स्टार्ट किया और अब इसकी भाग दौड़ कौन संभाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब, कैसे हैं सर आप? तो आपके ढाबे के बारे में या इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे ढाबा चालू किया, किसने स्टार्ट किया है? या आपके डैडी ने स्टार्ट किया था ये? नहीं नहीं, हमारे दादाजी ने स्टार्ट किए। अच्छा। वो 1969 में यहाँ पे भिवंडी के अंदर ही एक सुल्तानिया रेस्टोरेंट करके एक छोटा सा चाय एंड स्नैक्स काइंड ऑफ वैसा स्टार्ट किए थे। फिर वो चले, उसके बाद एक दो रेस्टोरेंट्स और चालू किए। उसके बाद पापा ने करिश्मा ढाबा स्टार्ट किया। तो 69 में दादाजी मतलब मुंबई आके भिवंडी एरिया में आके उन्होंने छोटा चालू किया। फिर उसके बाद आपके जो पापा हैं उन्होंने ढाबे में कदम रखा और ये जो सारा एक्सपांशन है आपका ये सब आपके डैडी के क्या हुआ है? डैडी और दो अंकल है। अच्छा, अंकल और डैडी ने मिलके ये सब, जो छोटे से जो आउटलेट था उसका भी इतना बड़ा लेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, ढाबे की शान चना पापड़ और कलेजी, कलेजी और पेठा। वाह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा खाना इस वक्त आ गया है। ये सारी जो डिशेज हैं ये सफदर भाई के रिकमेंडेशन है। तो सफदर भाई इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या खाना है। मैं तो सिर्फ चख के उसका जायका लेके आपको रिव्यू बताऊंगा। तो सफदर भाई डिशेज के बारे में बताइए क्या क्या है ये। तो ये चिकन ड्राई फ्रूट है। चिकन ड्राई फ्रूट यहाँ का स्पेशल डिश है। स्पेशल डिश है यहाँ पर। जी जी जी। और ये वाला सेकंड वाली ये है प्रॉन्स तवा, प्रॉन्स तवा फ्राई है। हाँ। अच्छा, ये प्रॉन्स भी है। प्रॉन्स में और मटन में तवा फ्राई बहुत टेस्टी है। अच्छा, टेस्टी यहाँ पर है। और ये थर्ड डिश जो है ये शालीमार स्पेशल मटन शालीमार ड्राई। अच्छा, मटन शालीमार ड्राई यहाँ का स्पेशलिटी है। हाँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी फूड भी काफ़ी पॉपुलर है। सी फूड के अंदर भी काफ़ी वेराइटीज हैं। तो ये प्रॉन्स तवा फ्राई है और ये मटन है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। सबसे पहले यार ड्राई फ्रूट से ट्राई करते हैं। काफी गर्म, एकदम फ्रेशली बना हुआ है। तो ये जो क्रंचनेस है ये कैसे आ रही है? मैं फ्राई किया हुआ है ये, तो तंदूर किया हुआ, ये फ्राई किया हुआ है। फ्राई करके फिर मसाला, फ्राई करके फिर उसको मसाले में मैरिनेट करके और पूरा काजू से मतलब उसको गार्निश किया हुआ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है इनका, चिकन ड्राई फ्रूट, तो काफ़ी फेमस है और काफ़ी खट्टा मीठा सॉस है। मतलब टैंगी सॉस वगैरह जैसा उसके अंदर बना हुआ है। तो इतना स्वीट और सावर भी आ रहा है, खट्टा मीठा सॉस भी आ रहा है इसे। और ये जो आपने बताया ये प्रॉन्स तवा फ्राई, तो गाइस प्रॉन्स तवा फ्राई है, ये भी ट्राई करते हैं। यहाँ का सी फूड भी काफ़ी फेमस है। थोड़ा स्मोकी फ्लेवर है और थोड़ा मच्छी का मसाले के अंदर थोड़ा बना हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि तवा के अंदर मेरे ख्याल से वो प्रॉन्स के साथ साथ थोड़ा फिश का भी उसमें खुशबू आ रही है। और ये आपने बताया कि मटन है, मटन है शालीमार स्पेशल, शालीमार स्पेशल मटन है। तो चखते हैं शालीमार स्पेशल मटन कैसा बना हुआ है। तो ये भी तवा के ऊपर ही बना हुआ है कि ये इसका थोड़ा प्रिपरेशन का अलग से प्रिपरेशन का है? सिर्फ मटन का ज्यादा टेस्ट आ रहा है, ज्यादा मसाले में नहीं बना हुआ है। सॉसेस डाले और हल्के सॉसेस का भी फ्लेवर है उसके अंदर, गार्लिक का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। मटन का टेस्ट ज्यादा एनहांस कर रहा है इसके अंदर। तो गाइस, चिकन के अलावा, सी फूड के अलावा जो मटन का शौक रखते हैं, दे कैन हैव अ मटन एज वेल हियर। काफ़ी टेस्टी है। वी हैव अनदर स्टार्टर हियर,
तो इसके बारे में जानते सफदरजंग सर, ये बताइए ये क्या है? ये चिकन GCC है। चिकन GCC है, मतलब ये बोनलेस लग रहा है मुझे। यस, बोनलेस है। तो और ये मसाले के बारे में कुछ बताइए। ये एक्चुअली ग्रीन मसाले में बनता है चीज के साथ। अच्छा, पूरा चीज के साथ, मतलब चीजी वाला डिश है ये। और ये जो है, ये जो ग्रेवी है सालन, ये क्या है? ये चिकन गोल्डन, गोल्डन चिकन है। गोल्डन चिकन। अच्छा, तो चलिए अभी दोनों चखते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये GCC कैसा है, चीज़ वाला, और गोल्डन चिकन को भी चखते हैं। यहाँ पर है थोड़ा चीज़ तो काफ़ी नज़र आ रहा है, थोड़ा बीच में से मसाला लेके देखते हैं कैसा बना है। बहुत चीज़ है और थोड़ा क्रीम भी है। हाँ। क्रीमी है और चीज़ी है। चिकन काफ़ी सॉफ्ट है। और ये देखते हैं, ये एक गोल्डन चिकन का आपने, गोल्डन चिकन। तो यहाँ पर ये ग्रेवी मेरे ख्याल से फेमस है, फेमस चल रही है। कलर भी इसका गोल्डन है, तो इसीलिए इसको गोल्डन कहा जाता है। तंदूरी रोटी से ही मज़ा आएगा, सालन तो बहुत गर्म है। चलिए देखते हैं। ओह, बहुत हीट है। ज़्यादा तीखा नहीं, हल्का फीका है, और थोड़ा इसमें क्रीम भी, काजू भी थोड़ा डाला हुआ है मेरे ख्याल से। काजू के जो है फ्लेवर, काजू के फ्लेवर आ रहा है। और जो लाल हंडी होती है वो थोड़ी स्पाइसी होती है, ये थोड़ी नॉर्मल स्पाइसी नहीं है। ये एक्चुअली फैमिली, जो बच्चे हैं सबको पसंद आएगा। हाँ, मतलब जो बच्चे नहीं खाना चाहते उन लोगों के लिए भी, मतलब तेज़ नहीं खाते उन लोगों के लिए फीका डिश है। तो डिश तो काफ़ी अच्छी, ग्रेवी भी अवेलेबल है और GCC भी बहुत अच्छी है। चलिए तो सफदर भाई, वैसे तो हम आपके मेहमान हैं मगर आज हम आपको सर्व करते हैं। चलिए हमारे साथ खाइए, थोड़ा GCC भी ट्राई करिए आप। बना तो अच्छा है काफ़ी, मैंने तो खाया माशाल्लाह। अभी आप भी लीजिए थोड़ा सा। और जैसे कि एक बात और पूछना चाहूँगा कि मगर अगर समझो सब बड़ा ग्रुप आता है, जैसे कि बर्थडे वगैरह में तो 20-25 लोग आ रहे, और बड़ा कोई जैसे कि मंगनी हो गई या कुछ बड़ा गेट टुगेदर हो गया, तो उसके लिए अलग से जगह आप देते हैं यहाँ पर? ऐसा क्या इवेंट्स होते हैं यहाँ पे? अराउंड 500 पीपल तक का। अच्छा, 500 पब्लिक तक यहाँ पर आ जाती है? तो अगर इवेंट करना है तो शादियाँ हुआ, एंगेजमेंट्स हुए, अच्छा, बर्थडे पार्टीज, सारे जो भी सब बड़ा इवेंट्स भी हो सकता है यहाँ पर। तो वो इवेंट के लिए मतलब एक सेक्शन पूरा उन लोगों को दे दिया जाता है, मतलब अच्छा स्टेज वगैरह गार्डन में लग जाता है, और मतलब पूरा सिटिंग एरिया या फिर ऊपर रूफ टॉप जगह जहाँ पर भी आपको इजी पड़ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा खाना इस वक्त पूरा हो चुका है। स्टार्टर्स भी हमने पूरे चख लिए, चार वेराइटी, और गोल्डन चिकन का जो ग्रेवी था वो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद राइस में भी दाल खिचड़ी, फ्राइड राइस, काफ़ी वेराइटीज़ है, खप्सा है यहाँ पर, और बिरयानी वगैरह भी है। तो अभी फ़िलहाल भाई ने तो इंसिस किया मगर हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं, तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं खा सकते। तो उसके बाद हम डेजर्ट की तरफ चलते हैं। तो डेजर्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीताफल क्रीम है, तो वैसे तो सब जगह मिलती है, तो यहाँ पर की स्पेशल है सीताफल क्रीम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव मोर देन 12 वेराइटीज़ इन डेजर्ट्स, जगह पर सीताफल क्रीम है, मैंगो क्रीम है, पाइनएप्पल क्रीम है, और दे हैव अरबिक पुडिंग्स, और दे हैव स्ट्रॉबेरी क्रीम, और काफ़ी वेराइटीज़ हैं, आइसक्रीम काउंटर्स भी हैं। एक और नई चीज़ जैसा मुझे यहाँ पर देखने मिली, एप्रिकॉट क्रीम, जिसे जरदालू भी कहा जाता है, कुबानी भी बोला जाता है इसको। तो ये एक नई चीज़ मिली है, ये हर जगह पे मुझे देखने नहीं मिली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, रसमलाई। मैंने तो काफ़ी ढाबों पे खाना खाया मगर रसमलाई मुझे कहीं पर भी चखने नहीं मिली, मगर यहाँ पर रसमलाई भी है। तो चल के देखते हैं सीताफल क्रीम कैसा है। बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी है, काफ़ी क्रीमी है, बहुत अच्छी है। एप्रिकॉट मैंने पहले कभी खाया नहीं, तो एप्रिकॉट जरा मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये एप्रिकॉट क्रीम। बहुत क्रीमी है, ड्राई फ्रूट भी है, इससे भी ज़्यादा थिक क्रीम है इसके अंदर, बहुत ही क्रीमी है। और उसकी कंसिस्टेंसी एकदम, मतलब एकदम गाढ़ी है, और ऐसा पक पक के नहीं, जो रबड़ी टाइप हो जाता है वैसी एकदम। और एप्रिकॉट है इसके अंदर, काफ़ी अलग टेस्ट है इसके अंदर, ट्राई कीजिए, काफ़ी अलग है। और जब तक मैं रसमलाई चखता हूँ, रसमलाई, वाह, एज यूजुअल अच्छी, काफ़ी
ट्राई डिशेज हैं यहाँ पर, और आइसक्रीम काउंटर भी है यहाँ पर। वहाँ पर भी कुछ एक पान के फ्लेवर की आइसक्रीम मैंने देखी जो हर जगह शायद अवेलेबल नहीं, वो भी हम जाते वक्त ट्राई करेंगे। और मावा मलाई भी है, तो मावा मलाई और पान ये दोनों की आइसक्रीम हम जाते वक्त ट्राई करेंगे। गाइस वक्त आ गया है आप सबको अलविदा कहने का। एम्बियंस और फूड अप टू द मार्क था, काफ़ी अच्छा एम्बियंस रहा। और भिवंडी में काफ़ी मौसम भी बहुत खुशगवार चल रहा है, ठंडक हो रही है, 22 डिग्रीज बता रहा है टेम्परेचर। और खाना भी माशाल्लाह अप टू द मार्क था। मुझे सबसे ज़्यादा उनका ड्राई फ्रूट चिकन और जो गोल्डन चिकन का जो सालन था वो ज़्यादा पसंद आया। मटन में ज़्यादातर बहुत कम ही खाता हूँ मगर अच्छा था, मगर ये दोनों डिश तो आज के दिन की मेरी फेवरेट थी। सो गाइस जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब ग्रेस नेटवर्क व्लॉग्स, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और इस वक्त के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं, और बहुत जल्द ही अगले व्लॉग के साथ आपसे जुड़ेंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।